कानपुर 16 दिसंबर विजय दिवस के अवसर पर सूफी खानकाह एसोसिएशन ने देशवासियों और बांग्लादेश निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए विजय दिवस को नफरत की सियासत पर सांस्कृतिक विरासत की विजय बताया है। कानपुर नगर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि 16 दिसंबर वो दिन है जिस दिन अत्याचार, अन्याय और अनीति पर संस्कृति, सौहार्द और प्रेम ने भारत की सेना के सहयोग से विजय प्राप्त की थी। कानपुर से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आप सभी को 16 दिसंबर विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज वो दिन है जिस दिन पर हर हिंदुस्तानी को फख्र है, नाज है। आज वो दिन है जिस दिन धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति को सबक सिखाया गया था। 1947 में मजहब की बुनियाद पर बने हुए मुल्क पाकिस्तान का आज ही के दिन भाषाई अस्मिता के नाम पर विभाजन हुआ था। बांग्लादेश नामक देश का उदय आज ही के दिन हुआ था। केवल विजय इस बात की नहीं थी कि बांग्लादेश की का निर्माण हुआ, विजय इस बात की थी कि अत्याचार और बर्बरता पर न्याय की विजय हुई थी। नफरत की सियासत पर संस्कार और संस्कृति की विजय हुई थी। भारत का इसमें अतुलनीय योगदान था। भारत की उस समय की के नेतृत्व के द्वारा बांग्लादेशी अस्मिता के नाम पर चलाए जा रहे आंदोलन का हर प्रकार से समर्थन किया गया था। हमारा देश जो हमेशा से शोषितों और पीड़ितों के लिए न्याय देने का कार्य करता है, उनके साथ खड़े होने का कार्य करता है, आज ही के दिन जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इस विजय दिवस की मैं सूफी खानकाह एसोसिएशन की ओर से सारे हिंदुस्तान वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही बांग्लादेश के सभी नागरिकों को विजय दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।